हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 3.1 ऑफ योर चैप्टर डेटा हैंडलिंग। दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर सेवेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको क्या करना है, रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आपको क्या करना है। यहाँ पर समझ में आ गया ना, तो आपके क्लास में जाना है, 10 स्टूडेंट आपके जो भी फ्रेंड है उनकी हाइट्स यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है और उसका रेंज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं स्टूडेंट के पास। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया इन द सेंटीमीटर में 130, 132, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 145 एंड 148 मुझे यहाँ पर मिले। सो बाय ऑब्जर्विंग द अबव मेंशन वैल्यू, द हाइएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है 148, and observing the above mentioned values, the lowest value is 130 centimeters. So that's why range of heights is equal to क्या बनता है, highest value minus lowest value. So we get 148 minus 130, answer आता है हमारा 18 centimeter. Next question, question number 2, organize the following marks in the class assessment in a tabular format, जो यहाँ पर दिया है। First question, which number is the highest, which number is the lowest, which is the range of the, what is the range of the data, find the arithmetic mean. Okay, chalo sabse pehle kya karenge, first we have to arrange the given marks in the ascending order. Now we'll draw the frequency table of the given data, jo yaha par aise banega. Theek hai, to marks yaha par 1 hai, then 2 hai, then 3 hai, then 4 hai, then 5, 6, 7, 8 and 9. To yaha par unki frequency hai, iski 1 ki frequency 1 hai, yaha par 2 hai, अगेन 1 है, देन 3 है, देन 5 है, देन 4 है, देन 2, देन 1 एंड 1 यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पर 9 नंबर सबसे हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सो बाय ऑब्जर्विंग द टेबल क्लियरली द हाईएस्ट नंबर इज 9 एंड लोएस्ट नंबर इज 9, तो फर्स्ट दोनों का हमें आंसर मिला। सो अभी रेंज क्या होता है, 9 माइनस 1, we know that range is equal to highest value minus lowest value, so 9 minus 1 is equal to 8, so यहाँ पर हमें आंसर मिला। Now fourth one देखे, find the arithmetic mean, हमें क्या करना है, इन सभी का arithmetic mean find out करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी values का यहाँ पर addition करेंगे, then divide करेंगे total number of values से। okay, तो अगर आप यहाँ पर frequency को total add करते हो, आपको total number कितने वो मिल जाएंगे, यहाँ पर total number कितने है, 20 है। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आता है 100, सो 100 बाई 20 वी गेट 5, सो अरिथमेटिक मीन यहाँ पर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो आप यहाँ पर इसे सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन देन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यही स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे भी आप लिख सकते हो, या तो इसे स्लाइड करके आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ओके, बट मोस्टली आपको करना है ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में ही आपको लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड आउट करना है। होल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2 अप टू इन्फाइनिट। ओके, मतलब काउंटिंग नंबर प्लस 0 वी कॉल इट एज अ होल नंबर। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स का हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 नहीं लेना है बिकॉज हमने 0 को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो 0, 1 हो गया, देन 1, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, 2, 3 हो गया, 3, 4 हो गया, एंड 4, 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो मीन यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स, सो देयरफॉर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वी गेट 10, सो टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स यहाँ पर 5, सो मीन बनता है 10 अपॉन 5, जिसका आंसर 2 बनेगा। सो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन द 8 इनिंग्स 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100, फाइंड द मीन स्कोर। हमें क्या करना है, मीन स्कोर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मीन स्कोर इज इक्वल टू टोटल रन स्कोर बाय द क्रिकेटर इन ऑल इनिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स प्ले बाय द क्रिकेटर। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल, यहाँ पर जो इनिंग दिया है, यहाँ पर स्कोर दिया है, उसका यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं, सो वी गेट द 400। सो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स यहाँ पर 8 है, सो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 400 अपॉन 8, आंसर आता है 50।
सो मीन स्क्वेयर ऑफ द स्कोर ऑफ द क्रिकेटर इज 50. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन द 4 गेम्स, प्लेयर 1, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4. ए का स्कोर कितना है गेम 1 में 14, ए का स्कोर गेम 2 में 16 है, ए का स्कोर गेम 3 में 10 है, ए का स्कोर गेम 4 में 10 है, बी का यहाँ पर 0864 एंड सी का यहाँ पर 811 एंड यहाँ पर थर्ड गेम में वो यहाँ पर प्ले नहीं किया उसने एंड देन फोर्थ में यहाँ पर उसका 13 है. ओके सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Find the mean to determine A's average number of points scored per game. Second, to find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or 4? Why? B played in all the 4 games. How would you find the mean? And who is the best performer? So first answer, dekhiye. A's average number of points scored per game is equal to total points scored by A in 4 games upon total number of games. So 14 plus 16 plus 10 plus 10 upon 4 आ जाएगा. So 50 upon 4 we get 12.5 points. Okay, A का average कितना मिला? 12.5 मिला. So अभी second one, to find the mean number of points per game for C के लिए देखिए 8 plus 11 plus 13 and divided by 3 करेंगे because यहाँ पर 3 values है. So हम यहाँ पर divide by 3 करेंगे. So, देखिए, to find the mean number of points per game for C, we will divide the total points by 3 because C played only 3 games. Okay? चलो. Next, यहाँ पर B played in all 4 games. How will you find the mean? So, B played in all 4 games. So, we will divide the total points by 4 to find out the mean. Then, mean of B score is equal to total points scored by B in 4 games upon total number of games. So 0 plus 8 plus 6 plus 4 upon 4. So 18 upon 4 यहाँ पर आ गया. So 4.5 हमारा points बन जाता है. Okay? So next question, who is the best performer? इनमें से कौन best performer है? तो हमने क्या क्या इन सभी का जो average निकाला है. On the basis of that, we can easily conclude that who is the best performer. So now we have to find the best performer among 3 players. So we have to find the average point of C also. So 8 plus 11 plus 30, जहाँ पर 30 by 3 मतलब 10.67 आता है. So by observing the average point score by A, 12.5 and is the more than B and C. B and C के 12.5 क्या है? ज़्यादा है. So clearly we can say that A is the best performer among 3. Next question, question number 6. The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and lowest marks obtained by the students, range of the marks obtained, mean marks obtained by the group. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस टेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इसे फॉर्म किया. द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स 95 एंड लोएस्ट मार्क यहाँ पर 39 है. सो रेंज यहाँ पर क्या बनेगी? सो वी नो दैट रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स अपॉन लोएस्ट मार्क्स. सो 95 माइनस 39 वी गेट 56. थर्ड वन, मीन ऑफ मार्क्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. सो 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 सभी का एडिशन करिए अपॉन 10 करिए. सो 730 अपॉन 10 वी गेट 73. ओके तो यहाँ पर तीनों का आंसर आपके सामने आपको दिख रहा है. तो जल्दी से वीडियो पॉज करके आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज फॉलो 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820. Find the mean enrollment of the school for the period. हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी का sum divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6 divided by 6 करना पड़ेगा. So we can easily get the mean of this data. So mean enrollment is equal to sum of all observation upon total number of observation. तो यहाँ पर सम होती है 12,348 अपॉन 6. तो आंसर वी गेट 2,058. द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस गिवन पीरियड इज 2,058. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द रेनफॉल इन MM इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ अ सर्टन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज.
डे यहाँ पर दिया है रेनफॉल, देखिए इन एमएम, मंडे टू मंडे, ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे 0.0, ट्यूजडे 12.2, वेनसडे 2.1, थर्सडे 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5, संडे 1.0। फर्स्ट यहाँ पर है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउ डेटा। हमें फर्स्ट क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें हाइएस्ट यहाँ पर रेनफॉल कितना हुआ है उसका डेटा, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर एंड लोएस्ट स्कोर यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक, मीन फाइंड आउट करना है सभी का सम अपॉन टोटल नंबर। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन मीन रेनफॉल, ओके, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, देन वी कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट्स वाई रेंज ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू हाइएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल, यहाँ पर 20.5 है माइनस 0, वी गेट द रेंज 20.5। मीन ऑफ द रेनफॉल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम होती है 41.3 डिवाइडेड बाय 7, इसे डिवाइड करिए, यू कैन इजीली गेट द आंसर 5.9। अब ये 5.9 से यहाँ पर कौन कौन से नंबर लेस है, तो यहाँ पर फर्स्ट है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड संडे में भी है, ओके। सो वी मे ऑब्जर्व दैट 5 डेज, दैट इज मंडे वेनसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे, द रेनफॉल वॉज लेस दैन द एवरेज रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 and 141. First, we need to be find out what is the height of the tallest girl, what is the height of the shortest girl, what is the range of the data, what is the mean height of the girl, how many girls have heights more than mean height. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we have to arrange the data in the ascending order. So we arrange the data in the ascending order. The height of the tallest girl is 151 cm, height of the shortest girl is 128 cm, range yahan par 151 minus 128, we get 23 cm, and fourth one mean find out karna hai, to sab ka yahan par sum nikalna padega and divided by karna padega, jitne number se to 10 se divide karenge, so 1414 divided by 10, we get 141.4 cm, and last yahan par 5 girls have heights more than मीन हाइट, मतलब 141.4 से कौन कौन से नंबर ज्यादा है, तो 5 गर्ल्स का यहाँ पर हाइट क्या है, ज्यादा है एज कंपेरेटिवली एवरेज से, ओके। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 यहाँ पर एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।